प्याज वाले करेले या करेले की सब्जी के लिए हमें प्याज चाहिए, जो कि 3 बड़ी प्याज है। इसको मैंने स्लाइस में इसकी कटिंग कर ली है। इसके अलावा इसमें आधा किलो करेले हैं, जिनका छिलका उतारने के बाद इसको ऊपर से मैंने इसके बीज निकाल लिए थे, और उसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून नमक डाल के इसको 1 घंटे के लिए रखा है, ताकि उसका नमक का पानी और करेलों का जो पानी है वो इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए, और फिर उसको निचोड़ के मैंने साफ़ पानी से धो लिया है। इसके अलावा मसालों में हमें 1 टेबल स्पून नमक चाहिए, 1 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 टी स्पून हल्दी है, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है। कुछ यहाँ पे मसाले हैं, इनमें 2 अदद जो है वो टमाटर हैं, जिनको मैंने मोटा चॉप कर लिया है। इसमें 1 से 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आपके पास गुड़ हो तो आप गुड़ का एक बड़ा टुकड़ा जो है वो भी डाल सकते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून कलौंजी है, 1/2 टीस्पून इसमें मेथी दाने हैं। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर सौंफ है। इसके अलावा इसमें 2 हरी मिर्ची हैं, जिन्हें बारीक काट लिया है। अब सबसे पहले हम ऑयल के अंदर करेलों को फ्राई करते हैं। यहाँ देखिए, मैं 1 कप ऑयल गरम हो रहा है, इसमें सबसे पहले हम ये करेले डाल देंगे और इनको फ्राई करेंगे। इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए इसके अंदर। करेले जो है ये बहुत अच्छे गोल्डन कलर में आ चुके हैं। अब मैं इनको बाहर निकालूंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट में इनमें गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको निकाल कर मैं इसके अंदर ऑयल, जो इसी ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई करूंगी। ऑयल में से सारी करेले मैंने बाहर निकाल लिए हैं। ऑयल चूँकि गर्म है, इसी गर्म ऑयल में हम ये सारी प्याज डाल देंगे। अब इस प्याज को मैं फ्राई करूंगी। प्याज को बहुत अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। 15 मिनट में प्याज को ये कलर आ गया है। अब मैं इसमें जो करेले फ्राई किए थे ये करेले डाल देंगे इसमें। सारे मसाले एक साथ डाल देंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे, सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें 1/4 कप पानी या 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल के इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। करेले की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको दम पर लगाया है। अब मैं इसको डिश ऑफ करती हूँ। करेले की सब्ज़ी या करेले की खट्टी मीठी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। इस सब्ज़ी को आप पराठे के साथ सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत मज़ेदार पराठे के साथ लगती है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और उसके साथ ऑल की ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।